बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खरिया से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ जो है कि जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, धूप निकली है, कुछ धूप पे आके इधर बैठी हूँ। साथ में सफाई सफुई साथ छत की है। जा रहे जी कबूतर नीचे, छत सारी साफ करके इधर अभी ना जे तो तोड़े लेके इधर बैठी हूँ। मैंने कहा इधर अभी नीचे चले गए कबूतर, इधर से भी सारी सफाई की है। धूप निकली है तो धूप पे बैठ के माल्टे खा रहे थे। तो बच्चे के हैं अभी ट्यूशन के लिए, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक की भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी ये सब्जी है मेरे पास कल के लिए, वो बनाती हूँ इधर बैठ के। तो बाकी माल्टे शाल्टे खाती हूँ, जो प्याज मैंने कुछ काटे बाकी बाद में काटती हूँ। अभी देखती हूँ कि कबूतर किधर गए हैं, बाकी बातें बाद में करूँगी। हाँ जी जी, सूरज इधर नज़र आ रहा है, शुक्र है जी। कुछ धूप निकली है, कुछ धूप पे बैठ के कुछ जिस्म को सुकून मिलेगा। चलो जी, कबूतर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, दाने शाने तो इनको पाए हैं, डाले हैं उधर। रहीम जी, शाम का टाइम हो गया, सब्जी मैंने बना ली है। तो अभी कहानी स्टार्ट करने लगी थी तो चले गई है लाइट। तो अभी मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ, लाइट ने तो पता नहीं कब आना है, तो देर हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चूल्हा ऑन करते हैं। पहले देश की मैंने धो के रख ली है। आज वीडियो तो मैंने काफ़ी बहन भाइयों के साथ बातें करनी थी, वो बनानी थी, तो इसलिए लाइट चले गई है। अभी मेरा ख्याल में नहीं बनेगी, क्योंकि मोबाइल लगाना था स्टैंड पे, तो मैंने बहन भाइयों के साथ काफ़ी बातें शेयर करनी थी, सोचा तो मैंने यही था। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं हुआ कि इंसान अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, जो अल्लाह चाहे वही हो सकता है जी। घी मैंने डाल दिया, बाल्टी को बंद करती हूँ। हाय तुम क्यों ना ठंडे ही हैं जी। आज बनाऊंगी मैं आलू बैंगन, तो प्याज भी मैंने काट लिए, सिर्फ टमाटर काटने वाले रहते हैं, मिर्चें भी काट ली हैं। साथ ही अभी डाल देती हूँ जी प्याज, और डालनी है मैंने मेथी, मेथी है, धनिया, सारी चीज़ें इस तरह की। अब अच्छी तरह इनकी भुनाई करती हूँ। अब रह गया टमाटर काटने वाला, टमाटर मैंने ऊपर ना फ्रीज करके रखे हैं, यही निकाल लेती हूँ। ये वाला सब्ज़, हाँ जी, अभी ये टमाटर भी ऊपर से छिलका उतार के ना काट के, तो ये भी डालती हूँ। गर्म नहीं रहेंगी, टमाटर मेरी भुनाई हो चुकी है। अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया के मसाला जले ना, अभी इसमें डालने हैं मसाले मैंने चंदक। लाइट नहीं है, अब कैमरा दूसरी तरफ करती हूँ तो नज़र कुछ नहीं आता, तो इसलिए बन रही है। मसालों के लिए सकती हूँ, अच्छी तरह मसालों की बनाई करती हूँ। मसाले वाले डब्बे बंद करके रख लेनी है। गर्म मन रहेंगी, मसाले की अच्छी तरह बनाई हो गई है। तो अभी इसमें ऐड करना मैंने आलू और बैंगन, इसमें गर्म मन रहेंगी। अभी इनको मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह आलू और बैंगन की भुनाई करती हूँ। आलू बैंगन जी
हाँ जी जी दूसरी तरफ क्यों मुंह कर क्या वो चीनी वाली पड़ी है देना देना अभी ना खाओ ना वो ठंडी है पेट में दर्द होएगी सालन बनने दो फिर ताजी रोटी बना के देती हूँ ठंडी खाओगे लाइट पहले नहीं है सिर्फ 5 मिनट और है 5 मिनट के बाद रोटी बनानी मैंने शुरू कर देनी सालन पक जाना है रमन रहम जी सालन तैयार हो गया सालन आलू बैंगन का तो हम बनानी रोटियां तो लाइट साढ़े को नहीं आई बैटरी मोबाइल की खत्म होने वाली है तो इस वास्ते पहले रोटियां बना लेनी है फिर बैठ के जो भी भैन भाइयों ने शेयर करना हो बाद च करांगे अला हाफिज़ नहीं जिनी रोटियां बना लेनी है सॉरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है आज धूप निकली है तो धूप माशाल्लाह जी आज पहले मैं उठी थी तो फिर अभी काफ़ी टाइम रहता था तो इसलिए अजान भी नहीं हुई थी उसके बाद जाके ना मैं फिर सो गई तो फिर उठी हूँ काफ़ी लेट तकरीबन 7:30 बजे वो भी मेहमा के पापा की कॉल आई है तो तब जाके आँख खुली है ना तो अभी काम शाम किया है बच्चों को स्कूल भेजा है तो काम शाम मैंने कर लिया है कुछ रहता है वो बाद में करती हूँ मैंने कहा कपड़े प्रेस करके ना पहले धूप निकली है बड़ी प्यारी है आज माशाल्लाह जी ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਾ ਐਸੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਧੁੱਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ कह रहे थे कि भाभी महवश और आसिया के बारे में भाभियों के बारे में बात नहीं की भी भाभियां कह दिया ने भाभियां भी तो साड़ियां ही ने सानू चंगियां लगियां सी ते असी लेके आए सी ना अगर मेरिया भाभियां खुश होणगियां तो मेरे भाई भी खुश होणगे अगर भाई खुश होणगे तो भैणां पहले ही खुश होंदियां ने ते इह तुसीं पता नहीं किहड़ा महवश के आसिया का घर क्यों किस वजह तो बर्बाद करना चाहते हैं जेडे बार बार गलत कमेंट्स करते हैं बड़े अपने आप को बड़े सुलझे हुए समझते हैं भी दूसरों की परवरिश से उंगलियां उठाना कभी अपनी तो भी उठाई है किसी ने हाँ जी जिन्या तो सू महवश से आसिया प्यारियां इन सू कोई प्यारा है ही कोई नहीं क्योंकि जोड़ा इंसान गलत खुद है ना और दूसरे को भी गलत ही समझता है हाँ जी तो बाबे महवश से भाई प्याज अगले दिन भी मैं आए थे क्योंकि सारिया गल्लां करांगी जब एक इंसान शुरू हो ही गया बड़ी देर बर्दाश्त करके देखा कि सारे भैन भरावान अगर जड़ा सीधी गल हुंदी है तो किसी ने करनी नहीं क्योंकि सोशल मीडिया है तो सीधी गल तो करके इंसान एक दूसरे जो एक माँ ससां ते ओदियां बहुआं कट्ठियां बैठियां होंदियां तुहाडे वरियां गया कोलो बर्दाश्त नहीं होंदियां वह कट्ठियां अपने घर में उन्होंने इस तरह ही रहना है महवश ने फयाज ना जाना है या जवेद ना जाना वह भी उन्होंने जिस तरह उन्होंने दिल किया उस तरह करना है अगर आसिया का दिल किया अब्बास ना जाने क्योंकि वह भी भैन भरा होंगे सारे क्योंकि थोड़े जे भैन भरावान एडे गंदे जहन ने कि तुसी इस तरह के गंदी माहौल में रहते हो जो दूसरों को कहते हो साडा इस तरह का माहौल नहीं है घर का और असी खुद भी असी जिथे जिथे साड़ी चौं भैणा की शादी हुई सानू तो चौं भैणा कह लिया तो तुम कि चीज़ा जे असी जड़िया चीज़ा कल तुम नाम साढ़े लिखे से और तुम खुद ही तो इस वास्ते लिखते हो कि थानू पता है भी किस तरह के और होंदिया ने चारे पंजे मैंबर असी सारे मैंबर जिस तरह के भी है अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है अपने माँ बाप की परवरिश से सानू फखर भी है असी एक साफ दिल इंसान किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए तो अच्छे तरीके गुजारनी चाहिए है और दूसरा असी गलत है तो सब तो पहले तुसी भी तो गलत ही हो कल भी सोने कमेंट्स किए भैन भरा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि अगर मेरी वीडियो तो एक एक कमेंट्स भी नहीं आता तो इस वास्ते जेडे कमेंट्स हो रहे हैं ये सानू नहीं पता भी महवश का सब तो वड्डा महवश आसिया का किहड़ा दुश्मन है जिहड़ा बार बार ये कह रहा है क्योंकि किसी नूं अपने घर वास्ते नूं उहनूं तुसीं देख नहीं सकते इस वास्ते तो अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है कि बच्चों वालियां ने दोनों अल्लाह पाक उन्होंने लंबी जिंदगी दे खुश रहन अपने घर आबाद रहन ते दूसरी गल है कि महवश आसिया
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮ ਖਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾਗ ਜਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਆਪੋ ਕਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੰਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਲਾ ਸਲੋਕ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਸੀਆ ਤੇ ਮਹਿਬਸ਼ ਤੇ, ਆਸੀਆ ਮਹਿਬਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਅਬਾਸ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮਹਿਬਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਸੀਆ ਜਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਰਾ ਨਸਰੂਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹਮੈਰਾ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਮਹਿਬਸ਼ ਨੂੰ, ਮਹਿਬਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਬਸ਼ ਵੀ ਔਰ ਆਸੀਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਆਜ਼ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਵਾਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਪਾਤ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਾ, ਲੈਟ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰੱਖੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੜਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾੜੇ। ਸਾਥ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੇ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸਿੱਕਣੀ, ਬੜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।